जश्न आखिर किस बात का बीजेपी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौटकर आए हैं, हाउडी मोदी कह के आए हैं, संयुक्त राष्ट्र आम सभा में अपना भाषण देकर आए हैं। हम ही जानना चाहते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में या कश्मीर के क्षेत्र में आखिर भारत ने ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए कि बीजेपी जश्न मना रही है। सबसे पहले हाउडी मोदी, ह्यूस्टन में हाउडी मोदी का समारोह होता है और हम इस शख्स यानी कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जगा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उस मंच से अपनी निजी सियासत खेलते हैं क्योंकि अगले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप कहीं ना कहीं इस मंच के जरिए भारतीय समुदाय को लुभा रहे होते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनडायरेक्टली यहां पर ट्रंप का साथ दिया 2016 के उनके नारे को दोहराकर कुछ इस तरह से, अब की बार ट्रंप सरकार। मैं जानता हूं आप लोगों में से कुछ लोग क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री तो 2016 की जिक्र कर रहे थे, देखिए साहब वो विज्ञापन है ना, नो उल्लू बनाविंग, नो उल्लू बनाविंग। जी हां, आप दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं, खुद को तो मूर्ख नहीं बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति उम्मीदवारी का भी अनुमोदन किया, डेमोक्रेट्स को नाराज कर दिया। मगर अगले दिन क्या होता है, इस शख्स यानी इमरान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप वो बात दोहरा देते हैं जो भारत सुनना पसंद नहीं करता कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहें तो हम एक बार फिर कश्मीर में मध्यस्थता कर सकते हैं। सुनिए, complex issue. It's been going on for a long time. But if both wanted it, I would be ready to do it. यही नहीं, ट्रंप ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ह्यूस्टन के उस स्टेडियम में जो उग्र तेवर थे उसे देखकर मैं हैरत में था। यानी कि वो तमाम बातें कहना जो कि भारत नहीं सुनना चाहता। और आज न्यूज चक्र में हम इन दो मुद्दों पर फोकस करने जा रहे हैं, व्यापार और कश्मीर। और सवाल ये सिर्फ तथ्यों के आधार पर कि आखिर भारत ने ऐसा क्या हासिल किया कि भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आकर जश्न मना रही है। शुरुआत हम करना चाहेंगे कश्मीर से। अंग्रेजी में कहावत है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा चिंताजनक खबरें नहीं आ रही हैं। भारत के लिए जो अच्छी बात यह है कि कश्मीर मुद्दे का इंटरनेशनलाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है, मगर पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है। सुनिए किस तरह का भड़काऊ बयान यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिया था, न्यूक्लियर हमले की धमकी तक दे डाली थी। एंड व्हेन अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री फाइट्स टू द एंड, इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस फार बियॉन्ड द बॉर्डर्स। इमरान खान ने ऐसा क्यों कहा? वो जानते हैं जैसे ही वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो फिर कश्मीर में दखल देने लगेगा। और पाकिस्तान की कोशिशें ऐसा लग रहा है रंग भी ला रही है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने क्या कहा, उन्होंने कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया, सुनिए। Despite the resolutions adopted by the United Nations Security Council, Kashmir is still besieged and 8 million people are still stuck in Kashmir. They cannot get out. यही नहीं, मलेशिया के राष्ट्रपति महातिर मोहम्मद ने भी कश्मीर का जिक्र किया और बहुत ही उग्र बयान उन्होंने दिया है। क्या कहा है खुद देखिए आप। संयुक्त राष्ट्र आम सभा को अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बावजूद जम्मू और कश्मीर में, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बावजूद भारत ने कश्मीर पर हमला किया है और उस पर कब्जा किया है। वो आगे ये भी कहते हैं कि 370 हटाने को लेकर हो सकता है कोई तर्क हो मगर फिर भी गलत है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीकों से। भारत को पाकिस्तान से मिलकर काम करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की अनदेखी करना यह सही नहीं होगा। दोस्तों, अगर मैं महातीर मोहम्मद या एर्दोगन या चीन के इस मुद्दे पर रवैये को आपके सामने पेश कर रहा हूं तो इससे मैं देशद्रोही नहीं हो जाता हूं, क्योंकि आप और हम शुतुरमुर्ग नहीं बन सकते हैं। हकीकत का सामना करना पड़ेगा। यह तथ्य आपके सामने मीडिया पेश नहीं कर रहा है, यह कहीं ना कहीं एक किस्म का देशद्रोह है। मैं क्यों बता रहा हूं इसे देशद्रोह? मैं इसे इसलिए देशद्रोह बता रहा हूं कि अगर आपको यही नहीं पता कि आपके सामने हकीकत क्या है तो आप उसका सामना कैसे करेंगे। अब मैं आपके सामने एक समाधान भी पेश करना चाहूंगा।
दोस्तों ऐसा नहीं है कि इससे पहले कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन नहीं हुआ है। कश्मीर का सबसे बुरा दौर था यह 1991 से 1994। यह वो दौर था जब कश्मीर में जबरदस्त अराजकता थी, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन, आतंकवादी संगठन सक्रिय हुए और पाकिस्तान ने भी अपनी कोशिशें पुरजोर तरीके से शुरू कर दी थी। कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा था और फिर मौका आया 1994 जेनेवा का। उस वक्त ये शख्स यानी कि नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। तब क्या आप जानते हैं, जब जेनेवा में भारत और पाकिस्तान के बीच आर पार की बात आ गई थी कश्मीर को लेकर, तब इस शख्स ने क्या किया? तब इस शख्स ने एक टीम बनाई। इस टीम के मुखिया थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और उस टीम के अंदर जिन सदस्यों को रखा गया था बहुत सोच समझ के रखा गया था। इसमें ये दो सदस्य भी थे, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सलमान खुर्शीद। क्या वजह थी इन तीनों को रखने की? फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद दोनों मॉडर्न मुस्लिम चेहरे। भारत कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश कर रहा था कि कश्मीर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यही वजह है कि आप देखिए हमारी टीम में फारूक अब्दुल्ला जो एक कश्मीरी हैं और सलमान खुर्शीद भी हैं, और इनका नेतृत्व विपक्ष के एक नेता कर रहे थे, यानी कि भारत में पूरा एका है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिकली यानी कि कूटनीतिक स्तर पर उस वक्त क्या हो रहा था। कूटनीतिक स्तर पर विजिटर्स गैलरी में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह बैठे थे। उनकी बारीक नजर थी और वो लगातार दुनिया भर के जो डिप्लोमैट्स थे उनसे मंत्रणाएं कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव थी। अब डिप्लोमैटिकली मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा उस वक्त संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि थे हामिद अंसारी वो लगातार काम कर रहे थे। हामिद अंसारी को क्यों चुना गया मैं आपको बताता हूं। मुद्दा नंबर एक बार फिर एक मॉडर्न मुस्लिम चेहरा। मुद्दा नंबर दो, संयुक्त राष्ट्र की जो तमाम शख्सियतें थी उनके साथ हामिद अंसारी का सीधा राबता, सीधा संपर्क था। मुद्दा नंबर तीन, हामिद अंसारी न सिर्फ ईरान बल्कि अफगानिस्तान में भी भारत के राजदूत रह चुके थे, लिहाजा इन तमाम मुद्दों की जो पेचीदगियां थी उसके बारे में उन्हें पता था। टोक्यो में उस वक्त भारत के राजदूत थे प्रकाश शाह। प्रकाश शाह को भी खास तौर से बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि प्रकाश शाह जो थे वो जेनेवा में भारत के राजदूत रह चुके थे, लिहाजा जेनेवा की सियासी और कूटनीतिक गलियों में क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी प्रकाश शाह को थी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कल को अगर इसी तरह की चुनौती भारत के सामने पेश आई तो भारत की टीम में कौन होगा? क्योंकि आपने फारूक अब्दुल्ला को PSA एक्ट के तहत नजरबंद कर दिया है, जेल में डाल दिया है। भारत सरकार चाहे तो इन्हें 2 साल तक जेल में सड़ा सकती है। उमर अब्दुल्ला भी नजरबंद हैं, महबूबा मुफ्ती भी नजरबंद हैं, यानी कि मोदी सरकार के लिए मुख्य धारा के जो ये राजनेता हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनमें और हुर्रियत के नेताओं में कोई फर्क नहीं है। आपने सबको एक खांचे में रख दिया है। अब अगर भारत की कोई टीम बनती है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत की टीम में कश्मीर से कौन जाएगा? बताइए कौन जाएगा? अशोक पंडित को भेजेंगे आप? इन फर्जी राष्ट्रवादियों को भेजेंगे या इस सुविधावादी कश्मीरी पंडित अनुपम खेर को भेजेंगे? किसे भेजिएगा? दोस्तों अब आपके स्क्रीन्स पर है 1994 में शेखर गुप्ता का लिखा गया ये आर्टिकल। शेखर गुप्ता अपने इस आर्टिकल में कहते हैं कि जब जेनेवा से भारतीय टीम जीतकर आई थी ना, उसका स्वागत कुछ इस तरह से हुआ था जैसे भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतकर आई हो। शेखर गुप्ता ने उस वक्त क्या लिखा था मैं आपको बताता हूं। शेखर गुप्ता लिखते हैं, अ मोमेंट कंपेरेबल टू द स्टनिंग सक्सेस ऑफ ऑपरेशन ब्लैक थंडर इन पंजाब और द डेफ्ट डिफ्यूजिंग ऑफ द हसरत बल क्राइसिस इन श्रीनगर लास्ट ईयर। देर इज स्टिल नो डाउटिंग द एबिलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द इंडियन गवर्नमेंट्स to snatch defeat from the jaws of victory through complacency. शेखर गुप्ता कहीं ना कहीं इसकी तुलना करते हैं जिस तरह से ऑपरेशन ब्लैक थंडर में पंजाब में
भारत को सफलता मिली थी, भारतीय सुरक्षा बलों को सफलता मिली थी, और हजरत बल में जिस तरह का संकट चल रहा था उस संकट को जिस तरह से खत्म किया गया था, इस तरह की जीत मिली थी जब हमने टीम इंडिया की तरह काम किया था, यूनाइटेडली काम किया था, मिलकर काम किया था। आज इस सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि टीम इंडिया तो कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि माननीय अमित शाह ये कहते हैं कि किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। कहते हैं अंकुश है, पाबंदी है तो आपके दिमाग में है। मान लिया दिमाग में अमित जी, तो फिर मेरा आपसे सवाल, 12 से 14 अक्टूबर के बीच में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक समिट होने वाला था जिसका मकसद था, क्या मकसद था, कि आइए कश्मीर में निवेश कीजिए। सिर्फ 8 से 10 कंपनियां ही रजिस्टर कर पाई थी। नतीजा यह हुआ कि इस समिट को पोस्टपोन करना पड़ा, इसे मुलतवी करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। क्यों? अगर अंकुश सिर्फ दिमाग में है तो फिर आपने समिट को पोस्टपोन क्यों किया? क्या इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जा रहे थे तो भारत के तमाम समाचार पत्र ये कह रहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होगा, व्यापार का एक बहुत बड़ा समझौता। मगर जब ट्रंप और मोदी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ट्रंप क्या कहते हैं? ट्रंप कहते हैं कि इंडिया एंड द यूएस विल हैव अ ट्रेड डील वेरी सून, यानी कि मामला एक बार फिर अधर में लटक गया। अब आपके सामने तीन या चार मुद्दे मैं पेश करना चाहूंगा। मुद्दा नंबर एक, अभी भी इस ट्रेड डील को लेकर क्या स्थिति है वो एक रहस्य बना हुआ है। मुद्दा नंबर दो, अमेरिका चाहता है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर जो टैरिफ है भारत उसे कम करे। यही नहीं, मेडिकल डिवाइसेस जो हैं उस पर जो प्राइस कैप्स हैं उसे खत्म किया जाए, मगर भारत ये नहीं कर पा रहा है और इसी के चलते ट्रेड डील जो है वो अधर में लटका हुआ है। मुद्दा नंबर तीन, जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं क्या आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में एक सालाना बैठक होती है जिसका नाम है यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम? वो तक नहीं हुई है जिससे पता चल रहा है कि ट्रेड डील आखिर क्यों खतरे में है, आखिर क्यों अधर में लटकी हुई है। बहुत ही गाजे बाजे के साथ इन्वेस्ट इंडिया नाम का एक सम्मेलन अमेरिका में हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। इस इन्वेस्ट इंडिया का जो चेहरा थे भारत की तरफ से वो थे हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल, और इन्वेस्ट इंडिया भी फुस हो गई है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सप्ताह भर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बैठक के दौरान उन्होंने मुलाकात की तेल क्षेत्र से करीब 17 दिग्गजों से, जी हां 17 अमेरिकन एनर्जी कंग्लोमरेट से मुलाकात की टेक्सास में। यही नहीं, न्यूयॉर्क में उन्होंने करीब 40 अमरीकी मल्टीनेशनल कंपनीज के मुखियाओं से मुलाकात की। सबने कहा, सबने तारीफ की प्रधानमंत्री की सोच, उनकी विजन की, मगर बावजूद इसके इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक बहुत बड़ा शून्य, किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। और सबसे चिंताजनक बात यह कि अमेरिका भारत में इन्वेस्टमेंट एक ऐसे दौर में नहीं कर रहा है जब चीन के साथ उसके जो संबंध हैं उसमें जबरदस्त तनाव आ रहा है। इस वक्त अमेरिका और चीन के संबंध बिगड़ रहे हैं, अमेरिका और चीन के बीच में व्यापार युद्ध छिड़ा हुआ है, और इसके बावजूद कोई अमरीकी कंपनी किसी तरह का कोई बिग टिकेट इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं कर रहा है। क्यों? हालांकि एक सफलता जरूर मिली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत जरूर हुए, यह समझौता हुआ भारत के पेट्रोनेट और अमरीकी तेल कंपनी टेल्यूरियन के बीच में। मैं आपको बताना चाहूंगा इस समझौते के अंतर्गत इंडिया पेट्रोनेट विल बाय 18% इक्विटी स्टेक इन टेल्यूरियन प्रपोज्ड ड्रिफ्टवुड एलएनजी टर्मिनल फॉर $2.5 बिलियन, यानी कि $2.5 अरब। यह समझौता 31 मार्च तक हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है? सिर्फ एक समझौता, यानी कि कहा गया था हमसे, नंबर एक, भारत और अमेरिका के बीच में $60 अरब का व्यापार होगा जो नहीं हो रहा है। यह भी वादा किया गया था कि 50,000 अतिरिक्त नौकरियां आएंगी, वो भी नहीं हो रहा है। और इसकी जड़ों में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल अमेरिका की नाराजगी किन मुद्दों को लेकर है। मुद्दा नंबर एक,
डाटा लोकलाइजेशन। मुद्दा नंबर दो, अमेरिका यह मानता है कि भारत की जो कर व्यवस्था है वो निहायत ही पेचीदा है, पेचीदा टैक्स सिस्टम। मुद्दा नंबर तीन, जो नियामक प्रक्रियाएं हैं भारत के अंदर उसके चलते भारत में निवेश करना बेहद मुश्किल हो रहा है। इसका सीधा नुकसान भारत और उसके व्यापारियों को हो रहा है। आप जानते होंगे कि 1974 से भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर एक समझौता था। इस समझौते को क्या कहते हैं? इस समझौते को कहते हैं जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जीएसपी। इस जीएसपी का क्या अर्थ है? इस जीएसपी का अर्थ यह है कि भारत और अमेरिका के बीच जो भी समझौते होंगे उसको लेकर भारत को प्राथमिकताएं मिलेंगी। ट्रंप ने मोदी के दोबारा चुनने के बाद इस जीएसपी व्यवस्था को ही खत्म कर दिया है, वो व्यवस्था जो 1974 से चली आ रही थी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अमेरिका ने इसे खत्म करने की धमकी नहीं दी। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इसे खत्म करने की धमकी दी थी, मगर उसे खत्म नहीं किया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसे दफन कर दिया है। आखिर क्यों? आखिर भारत और अमेरिका के बीच में इस तरह का विश्वास क्यों बना हुआ है? दोस्तों, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो या मोदी सरकार हो, उनका कहना है कि जीएसपी खत्म होने से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। मगर मैं ये कहूंगा कि जो लोग ऐसा कहते हैं, चाहे मनमोहन सिंह ने कहा हो या मोदी सरकार ने कहा हो, ये लोग शुतुरमुर्ग से ज्यादा नहीं है। इनका रवैया उस शुतुरमुर्ग की तरह है जो खतरे को आता देख रेत में अपनी गर्दन दफन कर देता है। क्या आप जानते हैं कि जीएसपी के खत्म होने से भारत को क्या नुकसान हुआ है? क्योंकि अब तक भारतीय उत्पादों को भारत को फायदा कितने का हो रहा था, मैं आपको बता रहा हूं, 6.4 अरब डॉलर्स का। अब यह खत्म हो चुका है। ऐसे में यह भारत के लिए नुकसान नहीं है तो क्या है? ऐसे में एक बार फिर मैं अपने शुरुआती सवाल पर जाना चाहूंगा कि ऐसे में चाहे कश्मीर हो चाहे व्यापार हो, भारत को क्या फायदा हुआ है? और ऐसे में यह सवाल पूछना भी लाजमी हो जाता है कि बीजेपी सड़क पर उतरकर किस बात का जश्न मना रही है। न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.